हाँ जी, आपने सही देखा, 7 दिन में 7 किलो वजन बढ़ेगा और बॉडी के कट भी आएंगे। देख सकते हो बॉडी की कंडीशन अभी और लास्ट में देखना कैसी होगी। ये मेरा पहला दिन है और पहले दिन में देखो क्या कंडीशन है, क्योंकि मैं पहले भी करता था ना प्रैक्टिस, इस वजह से बॉडी में थोड़े कटट हैं, पर अभी देखना और लास्ट में देखो कैसा होता है। मेरा दूसरा दिन है, दूसरे दिन में थोड़ा फेट बढ़ा है और कट भी आए हैं थोड़े, देख सकते हो आज की ये कंडीशन है दूसरे दिन की, और 7 दिन में फिर देख सकते हो कितना चेंज हो जाऊंगा। ये मेरा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में मेरा 2 किलो वजन बढ़ चुका है, क्योंकि मेरी डाइट भी अच्छी थी और मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, गाँव में रहता था तो अच्छी प्रैक्टिस होती थी मेरी, और देख सकते हो कंडीशन। भाई ये मेरा चौथा दिन है और चौथा दिन मैंने वर्कआउट कर लिया है, उसके बाद की कंडीशन है मेरा 4 किलो वजन बढ़ चुका है, क्योंकि अब मेरा दूध बन चुका है भैंस का दूध आता है मेरे घर पे और रात में मैं रबड़ी बना के खाता हूँ, और ये रही मेरी आज की कंडीशन, देख सकते हो क्या कटाए हैं और पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। आज मेरा 5वां दिन है और 5वें दिन में तो पूरा शरीर एकदम अलग ही दिखने लग गया, पहले कुछ अलग दिखता था और अब कुछ अलग हूँ, देख सकते हो पूरी कंडीशन बॉडी की, कट भी आ चुके हैं और चेहरा भी खिल चुका है मेरा, देख सकते हो पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। और छठा दिन में ज़्यादा मैंने वर्कआउट करा नहीं है तो कंडीशन थोड़ी ख़राब है, देख सकते हो कैसी है। मेरा ये पूरे हफ्ते का लास्ट डे है, 7वां दिन, तो देख सकते हो पूरी कंडीशन, 7 दिन में पूरा शरीर चेंज हो गया है। आप मानते हो ना कि 7 दिन में इंसान बदल सकता है, तो ये देखो मेरे 7 दिन की मेहनत है और 7 दिन में मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ा है और बॉडी में कट तो ऐसे आ चुके हैं जैसे एकदम बॉडी बिल्डर बन चुका हूँ। भाई मुझे विश्वास खुद नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। भाई अगर आप भी बनना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और भाई आपसे इतना ही कहूँगा कि आप भी मेहनत करें और अच्छे शरीर को बना सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त संदीप आपका इस चैनल पर स्वागत करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेली वर्कआउट में कितना वर्कआउट करना चाहिए। चलिए रनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये अपने घर पे ही रनिंग है, ऐसी वाली रनिंग की, इसके मैंने कम से कम 10 सेट लिए और 10 सेट में पूरा शरीर गर्म हो गया। फिर मैंने हमारी सपाट के सेट मैंने लिए, करीब 10-15 सेट लिए 10-10 के, और मेरा पूरा शरीर हो गया गर्म। फिर मैंने चेस्ट वाली एक्सरसाइज की, इससे चेस्ट बढ़ता है और चेस्ट के साथ साथ बैक भी बढ़ती है, देखो बैक के कट कैसे आ रहे हैं। फिर मैंने ईंट से अपना वर्कआउट शुरू किया और मैंने डंबल बनाकर इन्हें मैंने मारा, कम से कम इसके 10-10 सेट लिए दोनों हाथ के 10 बार, तो पूरा शरीर हो चुका है गर्म और देख सकते हो क्या क्या। फिर जो मैंने अपने घर पे देसी डंबल बना रखा था, अपने हाथों से डंबल बनाया था, उसका मैंने यूज करके अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को बढ़ाना शुरू किया, और मैंने इसके सेट करीब मैंने लिए 10-10 सेट लिए और 10 बार लिए। फिर मैंने मारे चिनअप्स,
चिनअप्स के कम से कम 5-5 के 10 सेट लिए। इससे मेरे पूरे शरीर में, बैक और आगे चेस्ट में बहुत फर्क पड़ा, देख सकते हैं। मैंने ये सब एक्सरसाइज करके मैंने अपना वर्कआउट किया पूरा, और अब देखो वर्कआउट के बाद मेरी कंडीशन क्या फ़र्क पड़ा है, चेस्ट पे देखो क्या फ़र्क पड़ा है, और मेरे एप्स कैसे चमक रहे हैं। ऐसे एप्स जो मेरे कभी पहले कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसे बन सकते हैं, और अब देखो कंडीशन, और मेरे पूरे शरीर में पसीना पसीना हो चुका है अब, और मैंने पूरा वर्कआउट अपना ख़त्म कर दिया। ये रही वर्कआउट के बाद की कंडीशन, और जो मैंने वर्कआउट ख़त्म कर चुका हूँ उसके बाद की कंडीशन है, देखिए। ये मेरे पूरे दिन का वर्कआउट था, और फिर शाम को मेरी अलग। ये रही वर्कआउट के बाद की कंडीशन, और जो मैंने वर्कआउट ख़त्म कर चुका हूँ उसके बाद की कंडीशन है, देखिए। ये मेरे पूरे दिन का वर्कआउट था, और फिर शाम को मेरी अलग एक्सरसाइज होगी। अगर आपको मेरी